19 में क्या था, ये था कि हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा, मिनिस्ट्री बेस्ट हो, देखो दोनों पार्टी उठा के एक कह रहा था 5100 रुपए पेंशन देंगे हम और 75% नौकरी देंगे प्राइवेट में। अब और बहुत सारी बातें, बीजेपी का भी बहुत था कि हम स्वामीनाथन का भाव देंगे, सीट उपाध मूल्य पे देंगे, लेकिन कोई भी चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे गरीब आदमी हो, यहाँ तक कि जो 100-100 गज के प्लॉट हम देते थे गरीब आदमी के लिए, वो स्कीम भी बंद कर दी। बच्चों की स्कॉलरशिप हम देते थे, वो स्कीम भी इन्होंने लटका कर दी। कोई भी जनहित के लिए गठबंधन नहीं था, कोई इनका जो है नीति के आधार पे गठबंधन नहीं हुआ था, हरियाणा के विकास के लिए या जनहित के लिए वो गठबंधन नहीं था, स्वार्थ हित के लिए गठबंधन था, टूटना ही था। सिंह चौटाला कह रहे हैं कि 5100 पेंशन देने की बात मैंने कही थी हाईकमान को, लेकिन बात नहीं बनी, तो मैंने किसी भी मतलब सीट लेने से भी इनकार कर दिया था, इसलिए गठबंधन जो है वो टूटा है। 4-4.5 साल के बाद चुनाव में दिन कितने बाकी हैं, ये सब लोग समझ चुके हैं, लोगों को गुमराह नहीं हो सकता। सीटों पर सहमति नहीं हुई लोकसभा में, तो मेरी कुर्सी गई, लेकिन मनोहर लाल की भी गई और साथ में अनिल विज की भी गई। गई क्योंकि काम किसी ने किया, हरियाणा को पछाड़ के रख दिया। गठबंधन जो था वो मनोहर लाल जी के और दुष्यंत जी के बीच में था ना, वो तो फिर क्या हुआ, नतीजा क्या हुआ, इसी वास्ते दोनों गए, नेतृत्व तो बदला। लेकिन ये सिर्फ इसके पीछे बात एक ही है, लोगों की आंख में फिर से धूल चढ़ने की कोशिश है, ये मिली भगत है। सर जिस तरह से लोकसभा चुनाव में सहमति नहीं बनी और ये अलग अलग लड़ेंगे, जिस समुदाय से दुष्यंत चौटाला आते उसी समुदाय से आप भी आते, तो कहीं आपका जो वोट जो है सिंध माटी करने के लिए, मैं समुदाय के बेस पे राजनीति नहीं करता, जनहित की करता, लेकिन सब समुदाय बराबर है, इससे नुकसान होगा सर आपको। मैंने कहा सब समुदाय बराबर है, क्यों नुकसान होगा, तो एक समुदाय की बात थोड़ी है, हमारे लिए सब समुदाय बराबर है, हम गरीब के हितैषी हैं और मेहनत के लोगों के हितैषी। विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया, इस इस्तीफे को कैसे देखते हैं, कि आप क्या लगता है आपको भी इतनी जल्दबाजी, विधायक पद से भी इस्तीफा दिया, पार्लियामेंट का चुनाव लड़ते हूँ क्योंकि थोड़े दिन में नोटिफिकेशन होने वाला है और सीट डिक्लेयर होने वाली, हो सकता है पार्लियामेंट में चुनाव, और लगातार सवाल उठाते रहे भ्रष्टाचार को लेकर, तमाम चीजों को लेकर, नए मुख्यमंत्री नायब सैनी को भी आपने कहा कि आप अपना विजन बताइए, आगे जो नए मुख्यमंत्री हैं क्या उम्मीदें हैं प्रदेश को लेकर, कोई उन्होंने विजन बताया नहीं, बाकी कोई अच्छा काम करेंगे तो मैं सराहना करूंगा, और ये जैसे पहले करते रहे हरियाणा को पीछे धकेलने का काम किया, मनोहर लाल के नक्शे कदम पर चलेंगे उन्होंने। मैंने कहा भाई ये उनके नक्शे कदम, मतलब उनके नक्शे कदम पे तो दुकड़ा रहे हैं, हरियाणा कहाँ से कहाँ पहुंच गया, जब भी तो बदलाव की जरूरत पड़ गई। अगर हरियाणा इतना प्रगति करता और बहुत बढ़िया गठबंधन की सरकार रहती तो नेतृत्व तो बदलने की जरूरत नहीं। चेहरा बदलने से कुछ नहीं होता, वो तो ये तो विफल हो चुकी, विफल सरकार विफल ही रहती है, लोग मन बना चुके, मैंने कहा छत्तीसगढ़ भी मन बना चुकी है ये हरियाणा की, कि 2024 में हरियाणा में सरकार कांग्रेस की बनाए। आपने गठबंधन टूटने के बाद बैलेट से वो विश्वास प्रस्ताव पे मत की मांग की थी, जिसको स्पीकर ने नकार दिया, कहा दिया था हमने वॉकआउट कर दिया। सर आज रैली थी जेजेपी की, ये भी कहा गया कि भाजपा ने 6 महीने का मुख्यमंत्री बनाया है, लेकिन 5 साल का मुख्यमंत्री जनता पार्टी देने वाली है प्रदेश। लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लोग समझ चुके हैं। सर जिस तरीके से गठबंधन टूटा, पार्टी भी पूरी बिखर गई, 5 विधायक आज यहाँ सेशन के अंदर थे और 3 विधायक वहां पहुंचे हुए थे, मतलब विधायक गठबंधन थोड़ा ही था, ठग बंधन था, ये सबको पता, हरियाणा की जनता समझ चुकी है कि ठग बंधन 5-4.5 साल उन्होंने ठगी करी, अब फिर ठगे करने के प्रयास करते हैं। रोहतक को लेकर आपने बात कही थी, नायब सैनी जब कह रहे थे कि पार्क वहां पर फ्लाईओवर बनवा दिया उससे नुकसान हो, क्या नुकसान हुआ रोहतक के लिए? वो ये था कि जो रेलवे लाइन है गोहाना की, रोहतक से गोहाना रेलवे लाइन, वो हमारे समय में नई आभार बनाने की हो गई थी, रेलवे मिनिस्ट्री ने 100 करोड़ रुपया भी रख दिया था उसके लिए, उस स्कीम को तो बंद कर दिया, जो वहां से लेकर मकड़ोली से लेकर रेलवे स्टेशन तक सड़क बनती 4 लेन,
वो कर दिया, लेकिन कई लोग बर्बाद है, वो उसकी जगह एलिवेटेड बना दिया क्योंकि एक ठेकेदार इनका चाहता था। तो फ्लाईओवर बनने से बिल्कुल, अगर वो रोड बनती तो ट्रैफिक कंजेशन नहीं होता, रोहतक वालों को बहुत राहत थी, इसी वास्ते तो रेलवे मिनिस्ट्री से सेंक्शन करवाया था। हुड्डा साहब, अनिल विज की नाराजगी को कैसे देखते हैं आप? एक तरफ ओथ सेरेमनी कंडक्ट होती है, दूसरी तरफ अनिल विज गोलगप्पे खा रहे होते हैं, किस तरीके से देखते हैं? अच्छा, ये भी सरकार में एक विभाग है लूटने और मनाने का, बहुमत सिद्ध करने के लिए भी। जो सर आपसे हुड्डा साहब, आपने कहा कि समय जो है और देना चाहिए था, ये जल्दबाजी में जो सेशन बुलाया गया, नहीं मतलब ये था भी जैसे रात को इतने बजे किया, 24 घंटे तो समय देना चाहिए ना। दूर दूर से आते हैं विधायक, पूरी रात सोए नहीं, कोई हो सकता कोई ना भी पहुंच सकता, ना समय पे इन्फॉर्मेशन गई, तो एक एक दिन का गैप तो देना ही चाहिए था, मैं ज्यादा नहीं, एक दिन का दो दिन का गैप देना ताकि सहूलियत से पहुंच सके और यहाँ आ सके। अब जो बदलाव हुआ है पूरा घटनाक्रम हुआ, मुख्यमंत्री बदल गए हैं, कांग्रेस को आप इससे फायदा मानते हैं, नुकसान मानते हैं, और कितना? कांग्रेस का तो मन बना चुके हैं लोग, ये किसी को बदले किसी को बोलते, हमने तो जब नो कॉन्फिडेंस था, जब आईना दिखा दिया था सरकार का, तो आईना दिखाने के बाद चेहरा बदल दिया। सर हुड्डा साहब, जिस तरीके से शुरुआत जो है वो हरियाणा से हुई है, बीजेपी के खेमे से अब सांसद जो है वो कांग्रेस के खेमे में, कांग्रेस का दामन जो है उन्होंने थामा है, एक तरीके से गेट वे जो है वो ओपन हुआ है, जिस तरीके से बहुत सारे कोई तीसियों पूर्व विधायक आ चुके कांग्रेस में, हरियाणा में 35 पूर्व विधायक आ चुके हैं। ब्रिजेंद्र सिंह के आने से कितना फायदा मानते हैं आप? परिवार में बढ़ावा है, परिवार बढ़ रहा है, और भी सांसद, और भी कोई सांसद संपर्क में है? सारी बात आपको ऐसी चर्चाएं शुरू हो गई है सर, ऐसी चर्चाएं शुरू हो गई, अब वो हिसाब से आप उनको चुनाव लड़वाएंगे, कांग्रेस चुनाव लड़वाएगी, ब्रिजेंद्र पार्टी फैसला करेगी। लिस्ट कब तक आ रही है कांग्रेस पार्टी की? लोकसभा अभी तो हमारी उसकी स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग चल रही है, 15 तारीख को या फिर मीटिंग होगी, उसके बाद नायब सरकारी करनाल से चुनाव लड़ेंगे, अगर लोकसभा में उनके साथ चुनाव होता है तो करनाल का आप पता नहीं लड़ेंगे उनसे पूछ नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा ना कि नायब सरकारी सेवा करेंगे।